हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू पी वी आर स्टडी। आज हम पढ़ाने चल रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में निगेटिव सेंटेंस। जैसा कि आप लोग एफर्मेटिव पहले ही पढ़ चुके हो, तो आइए देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। आप सभी को पहले ही बताया जा चुका है निगेटिव सेंटेंस एफर्मेटिव सेंटेंस। अनुवाद करने का नियम सेम होता है, एक्सेप्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है ना। देखते हैं निगेटिव सेंटेंस का नियम क्या है। नॉट का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में किया जाता है। देखिए, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इसमें है क्या, हैज बीन। तो देखिए इसमें सबसे अलग है ना, जहां पे दो शब्द या दो से अधिक शब्दों की हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, वहां जस्ट पहले शब्द के बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है। जैसे बता दें हैज बीन या हैव बीन, या आगे आ जाएगा फ्यूचर में शैल हैव बीन, शैल हैव बीन या विल हैव बीन। तो हम नॉट का प्रयोग कहां करेंगे, जब हमारी हेल्पिंग वर्ब दो या दो से अधिक शब्द की होती है, तो नॉट के प्रयोग जब करने की जरूरत होती है भी है, तो जस्ट पहले शब्द के बाद। जैसे यहाँ पे हम नॉट का प्रयोग करेंगे और यहाँ शैल के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस जब सब्जेक्ट का प्रयोग भी हो जाएगा, तब उसका भी वही नियम है, पहले शब्द के बाद सब्जेक्ट का प्रयोग, और यहाँ सब्जेक्ट का प्रयोग साथ में नॉट है, तो जस्ट सब्जेक्ट के बाद लगता है नॉट का प्रयोग। तो फिलहाल देखते हैं, Has not been, have not been plus main verb, main verb में क्या है, first form में ing लगेगा ही, plus object प्लस सिंस या फार प्लस टाइम, है ना। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, सिंस या फार, टाइम। तो ऑब्जेक्ट, तो अब एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या कहता है, वे किसान, वे किसान खेत में जनवरी से अपने कार्य कर रहे हैं। अपने कार्य कर रहे हैं, तो ट्रांसलेशंस का देखते हैं। वे किसान, सब्जेक्ट क्या है, किसान, उसी के पहले डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव प्लूरल है, दोज फार्मर्स, दोज फार्मर्स हैव, नॉट का प्रयोग जस्ट हैव के बीच में लगेगा, हैव के बाद, हैव नॉट बीन, मेन वर्ब क्या है, करना, डूइंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अपने कार्य, प्लूरल सब्जेक्ट है तो दियर का प्रयोग करेंगे, दियर वर्क। अब हमारे वाक्य में क्या है, समय, परंतु समय से पहले क्या है, प्लेस ऑफ एडवर्ब, खेत में, तो इन द फील्ड। अब समय क्या है, जनवरी से, है ना, बताए थे जनवरी फरवरी मंथ नेम या डेज नेम क्या होता है, निश्चित होता है, या यूं समझिए ट्रिक के रूप में, ट्रिक भाषा में, सिंगुलर समय के साथ क्या प्रयोग करते हैं, सिंस, निश्चित समय होता है, सिंस जनवरी, जनवरी
एग्जांपल और देख लेते हैं। मोहन पिछले महीने से विद्यालय नहीं जा रहा है। विद्यालय नहीं जा रहा है। सिंगुलर सब्जेक्ट हमारे सामने है, मोहन हैज के जस्ट बाद नॉट, बीन जाना क्या है, क्रिया मेन वर्ब है, गोइंग टू स्कूल। समय क्या है, पिछले महीने से, लास्ट मंथ, सॉरी सिंस लगाना पड़ेगा, पहले सिंस या फॉर लगाते हैं, सिंस लास्ट मंथ, सिंस लास्ट मंथ मोहन हैज नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस लास्ट मंथ। तो देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। प्रश्नवाचक वाक्, प्रश्नवाचक वाक्य में आप लोग दो तरीके से बताया जाता रहा है सदैव। तो देखिए, जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए, है ना, तो नियम क्या कहता है इसका, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए यही चीज बताया गया आपको, जब सब्जेक्ट या नॉट का प्रयोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है जस्ट पहले शब्द के बाद, कब होता है, जब हमारी हेल्पिंग वर्ब दो या दो से अधिक शब्दों की होती है। तो यहां सब्जेक्ट बीन, हैव, सब्जेक्ट बीन प्लस मेन वर्ब, मेन वर्ब वही आईएनजी लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम, है ना, कह रहा है क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट प्लस टाइम, सिंस या फॉर प्लस टाइम, सॉरी सिंस या फॉर प्लस टाइम, ठीक है ना, सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो एग्जांपल देखते हैं, तुम पिछले 3 महीने से किसे पढ़ा रहे हो, कह रहा है तुम पिछले 3 महीने से किसे पढ़ा रहे हो। हमारा क्वेश्चन वर्ड क्या है, किसे, हूँ, किसे, अब प्लूरल सब्जेक्ट है, हाँ हैव के जस्ट बाद सब्जेक्ट आएगा, यू, बीन, पढ़ाना क्या है, मेन वर्ब टीचिंग, टीचिंग, पढ़ा रहे हो, अब सब्जेक्ट है ना इसमें, तो हम अब समय लिखेंगे डायरेक्ट, टीचिंग पिछले महीने से, लास्ट सेंस या फॉर क्या लगेगा, लास्ट या पास्ट के बाद बताया गया था वीक मंथ ईयर का प्रयोग हो तो सिंस, अन्यथा संख्या है तो फार, तो यहां फार का प्रयोग करेंगे, फार
लास्ट थ्री मंथ्स है ना, थ्री मंथ्स whom have you been teaching for last 3 months? Sohan Sohan 3 बजे से घर पर कुछ पुस्तक कुछ पुस्तकें खोज रहा है खोज रहा है। देखिए कह रहा है सोहन 3 बजे से घर पर कुछ पुस्तकें खोज रहा है। क्यों खोज रहा है? क्योंकि आप लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हो तो यहाँ बीच में क्वेश्चन वर्ड आना आवश्यक है। यहाँ व्हाई लगेगा, व्हाई हैज सोहन बीन, खोजना सर्च फॉर, सर्चिंग फॉर खोज रहा, क्या खोज रहा? कुछ पुस्तकें, सम बुक्स, सम बुक्स कहां पर खोज रहा है? एट होम 3 बजे से निश्चित टाइम है, सिंस 3 o'clock है ना, सिंस 3 o'clock। व्हाई हैज सोहन बीन सर्चिंग फॉर सम बुक्स एट होम सिंस 3 o'clock? आइए सेकंड टाइप्स देखते हैं। सेकंड टाइप्स क्या है? जब वाक्य क्या से शुरू हो, क्या से शुरू हो, जब हमारा वाक्य क्या से शुरू होता है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब होता है। हेल्पिंग वर्ब वही होगा हैज सब्जेक्ट बीन, हैज सब्जेक्ट बीन, हैव सब्जेक्ट बीन, प्लस मेन वर्ब, मेन वर्ब आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस फॉर, प्लस टाइम। तो एग्जांपल देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब हैज सब्जेक्ट बीन, हैव सब्जेक्ट बीन, मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर टाइम। एग्जाम्पल देखते हैं। क्या वह मंच पर हमारा वाक्य किससे शुरू है, क्या से शुरू है? हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे। हमारे सामने सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज सी बीन नृत्य कर रही है, डांसिंग नृत्य कर रही है, कहां पर कर रही है? मंच पर, ऑन द स्टेज। अब क्या है? 2 महीने से, 2 महीना क्या है? अनिश्चित समय है, क्योंकि ये क्या प्लूरल समय है ना, अनिश्चित समय है। तो फार टू
मंथ्स, दो महीने से हैज सी बीन डांसिंग ऑन द स्टेज फॉर टू मंथ्स. अब इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं. इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आए. तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब. अब देखिए यहां पे है ना, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है, यहां पे सब्जेक्ट भी आएगा और नॉट भी आएगा. कहां, जस्ट पहले शब्द के बाद. पहला शब्द हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज और हैव. तो हैज हैव के जस्ट बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट, क्योंकि नॉट का प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट के बाद होता है. तो हैज सब्जेक्ट नॉट बीन, इसी प्रकार हैव सब्जेक्ट नॉट बीन प्लस मेन वर्ब, मेन वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस फॉर प्लस टाइम, है ना. तो क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हैज सब्जेक्ट नॉट बीन या हैव सब्जेक्ट नॉट बीन प्लस अब मेन वर्ब, मेन वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सेंस फॉर टाइम. तो एग्जांपल देखते हैं. राहुल बगीचे में दो घंटे से क्या तोड़ रहा है. क्या नहीं तोड़ रहा है, क्या नहीं तोड़ रहा है, क्या नहीं तोड़ रहा है. राहुल बगीचे में दो घंटे से क्या नहीं तोड़ रहा है. तो क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या है, व्हाट. राहुल सब्जेक्ट है तो क्या लिखेंगे, हैज. सब्जेक्ट क्या है, राहुल. सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट का प्रयोग, फिर बीन. अब मेन वर्ब तोड़ना है, पल्किंग, है ना, तोड़ रहा है. समय प्लेस दिया है, इन द गार्डन, इन द गार्डन. अब क्या बचा है, समय दो घंटे से. तो दो घंटा क्या है, अनिश्चित समय है. फॉर टू आवर्स, है ना. व्हाट हैज राहुल नॉट बीन पल्किंग इन द गार्डन फॉर टू आवर्स. एक और एग्जांपल देखते हैं. वे विद्यार्थी विद्यालय में मार्च से पुस्तक क्यों
नहीं पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? वाई, सब्जेक्ट क्या है विद्यार्थी? दोज, सॉरी पहले हैव, हेल्पिंग वर्ब हैव, दोज स्टूडेंट्स, दोज स्टूडेंट्स हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। जस्ट बाद इसी के हम नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर बीन। अब क्या है? पढ़ना, रीडिंग, पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं है, पुस्तक या बुक, इन द क्लास, इन द क्लास, कक्षा में। अब क्या है? समय दिया है मार्च से, तो मार्च क्या हमारा निश्चित टाइम है? सिंस मार्च। कह रहा है वाई हैव दोज स्टूडेंट्स नॉट बीन रीडिंग अ बुक इन द स्कूल सिंस मार्च। स्कूल है तो यहां पे हम स्कूल का प्रयोग करेंगे, स्कूल सिंस मार्च। सेकेंड टाइप्स देख लेते हैं इसी प्रकार। सेकेंड टाइप्स आप लोग बताए गए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, जब हमारा वाक्य क्या से शुरू होता है, जब वाक्य क्या से शुरू हो। फर्स्ट टाइप सेकेंड टाइप्स में केवल एक अंतर है, फर्स्ट टाइप्स क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है, जबकि सेकेंड टाइप्स में क्वेश्चन वर्ड को कट कर देते हैं, हटा देते हैं, हेल्पिंग वर्ब से शुरू कर देते हैं। सेम वही है ना, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हैज सब्जेक्ट नॉट बीन, हैव सब्जेक्ट नॉट बीन, मेन वर्ब में आईएनजी है ना, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर टाइम। तो एग्जांपल देखते हैं, क्या अध्यापक, अध्यापक बच्चों को ईमान, बच्चों को 2 महीने से ईमानदारी से ईमानदारी से पुस्तक पढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। क्या कह रहा है? क्या से शुरू है तो हम इसको सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ड लिखेंगे। क्या है? प्लूरल है सब्जेक्ट, हैव टीचर्स, है टीचर्स। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस नॉट का प्रयोग होना जरूरी है, तो यहां पे नॉट का प्रयोग करेंगे, नहीं पढ़ा रहे हैं। क्या अध्यापक बच्चों को 2 महीने से ईमानदारी से पुस्तक नहीं पढ़ा रहे हैं, तो नॉट का प्रयोग हुआ है, टीचर्स नॉट बीन टीचिंग, पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं? पुस्तक अ बुक है ना। अब देखिए यहां पे क्या है, दो दो ऑब्जेक्ट, पुस्तक और बच्चे। पुस्तक क्या है? पुस्तक क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और बच्चे क्या है? क्या हुए? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हम पहले किसे लिखेंगे? स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स लिखिए, चाहे बच्चे लिखिए, है ना। चिल्ड्रन ही लिख देते हैं, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन क्या पढ़ा रहे? आ बुक,
अब क्या है, समय दिया है 2 महीने से, तो अनिश्चित समय फॉर 2 months, फॉर 2 months है टीचर्स नॉट बीन टीचिंग चिल्ड्रन अ बुक फॉर 2 months। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसी प्रकार। क्या मैं पिछले पिछले सोमवार से विद्यालय नहीं जा रहा हूं, विद्यालय नहीं जा रहा हूं। क्या मैं पिछले सोमवार से विद्यालय नहीं जा रहा हूं, है ना, कर पिछले जस्ट जो भी समाप्त हुआ है, तो क्या है निश्चित है। देखिए फिलहाल हैव आई नॉट बीन, जाना क्या है मेन वर्ब आई एन जी, गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल। अब क्या बच रहा है, समय पिछले सोमवार से, सिंस निश्चित समय हुआ, सिंस लास्ट मंडे पिछले सोमवार से, है ना, कह रहा है हैव आई नॉट बीन गोइंग टू स्कूल पिछले सोमवार से, सिंस लास्ट मंडे पिछले सोमवार से। फ्रेंड्स इस प्रकार आप लोगों का प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस यहीं पर समाप्त होता है। अब अगले वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आ रहा है तो आप प्लीज लाइक करिए वीडियो को और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए और ईमानदारी से आप लोग टेंस पर विशेष ध्यान दीजिए और पढ़ते रहिए। अब आप लोगों का क्लास जस्ट पास्ट टेंस के बाद, जैसे ही पास्ट के चारों पार्ट समाप्त होते हैं आप लोग की लाइव क्लास शुरू हो जाएगी और ईमानदारी से पढ़ते रहिए ताकि पार्ट ऑफ स्पीच अच्छे से भली भांति आप लोगों को पढ़ सके और हमें भी ईमानदारी, हमें भी पढ़ाने में अच्छी रुचि हो और आनंद आए।